तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पांच ऐसे 5G फ़ोन होंगे हैवी गेमिंग मल्टीटास्किंग 5G प्रोसेसर के साथ, कैमरा क्वालिटी, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, स्पेसिफिकेशन, यूज़र एक्सपीरियंस सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। इन सभी फ़ोन की प्राइस 15,000 के नीचे होने वाली है। आप इनमें से कोई भी फ़ोन चूज़ कर सकते हो। नंबर वन पे आता है इन्फिनिक्स नोट 30 5G। बात करें इसके डिस्प्ले की तो 6.8 इंच की FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आता है, 3.5 mm की ऑडियो जैक, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट और 240 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट और 580 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। बात करें इसकी बैटरी की तो 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है, 45 वाट की चार्जिंग स्पीड के साथ आता है। कैमरा फीचर की बात करें तो इसमें मिलता है 108 मेगापिक्सल का 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप। फ्रंट कैमरा की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का कैमरा आता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो 2K 30fps में शूट कर सकते हो, 1080 पे 30fps और 60fps में शूट कर सकते हो। इसकी प्राइस की बात करें तो 4GB रैम और 128GB की स्टोरेज आपको 14999 में मिल जाएगा। नंबर 4 पर पोको X5 5G फ़ोन देखने को मिल जाता है। अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 120 हर्ट्ज का सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 6.67 इंच फुल HD एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है, 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट आता है और स्नैपड्रैगन 695 5G प्रोसेसर आता है। MIUI 13 पे आपको ये फ़ोन आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होने वाला है। स्नैपड्रैगन 695 गेमिंग के लिए 5000 mAh की बैटरी और 33 वाट की चार्जिंग के साथ आता है। कैमरा फीचर की बात करें तो 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको देखने को मिल जाएगा बैक साइड में। और यहाँ पर आपको कैमरा फीचर में आपको 1080 30fps 720p 30fps में आपको शूट करने को मिल जाएगा, जैसे कि प्रो मोड वगैरह आपको देखने को मिल जाता है इसमें मूवी। बात करें स्नैपड्रैगन 695 की तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल जाता है। 5000 mAh की बैटरी भी देखने को मिल जाती है यहाँ पे। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो 6.28GB का 14,999 पे आपको देखने को मिल जाता है। नंबर 3 पर आता है द सुपर रेडमी नोट 12 5G फोन। तो ये नंबर 3 पर आता है, काफ़ी ज़्यादा स्लिम नोट एवर है। तो यहाँ पर मैट फिनिश आपको देखने को मिल जाएगा और बहुत सारे यहाँ वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट की स्पीड, डाउनलोडिंग स्पीड और सुपर स्मूथ व्यूइंग एंगल एक्सपीरियंस, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा इसमें जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। 6.67 फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है और 1200 निट की पीक ब्राइटनेस देखने को आपको मिल जाती है इसमें। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट आपको देखने को मिलता है, स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है इसमें। परफॉर्मेंस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये जो है गेमिंग वगैरह आपको करा के देगा। MIUI 13 इसमें इनबिल्ट आता है, 5000 mAh की बैटरी है, 33 वाट की चार्जिंग के साथ। कैमरा की बात करें तो 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड 2 मेगापिक्सल माइक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है। सुपर शार्प फोटोग्राफी वगैरह आप कर सकते हो इसमें। AI ट्रिपल कैमरा फीचर देखने को मिल जाता है। 1080p पे रिकॉर्डिंग 30fps में आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको 5G बैंड्स बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड है। 3 कलर्स में आपको ये फ़ोन देखने को मिल जाएगा तो आप ले सकते हो इसको। ये काफ़ी ज़्यादा स्लिम है और मैट फिनिशिंग के साथ भी आता है। 4 128GB स्टोरेज की आप 15,999 पे देखने को मिल जाता है। नंबर 3 पर Realme 11X 5G फ़ोन आपको देखने को मिल जाता है। 5G MediaTek का प्रोसेसर के साथ आता है। अगर डिस्प्ले की बात करें तो 6.72 इंच की फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 120 हर्ट्ज की डायनामिक रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है, 240 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाती है, 680 की निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी आपको देखने को मिल जाता है इसमें। प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek का Dimensity 6100 प्लस प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि 6 नैनोमीटर पे बेस है।
Realme UI 4.0 देखने को मिल जाता है आपको। 5000 mAh की बैटरी है, 33 वाट की चार्जिंग की स्पीड के साथ आता है। कैमरा की बात करें तो यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का फ्यूजन पिक्सल कैमरा देखने को मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट कैमरा देखने को मिल जाता है, फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो 1080 आप 30 और 60 FPS पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो। नंबर 2 पर आता है Moto G54। सेगमेंट की बात करें तो फर्स्ट सेगमेंट इसमें आपको 12GB रैम और 256GB का स्टोरेज का जो फोन है वो भी देखने को मिल जाता है। 5G के 14 बैंड्स आपको सपोर्टेड देखने को मिल जाते हैं इसमें। इस फोन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। ये फ़ोन 6000 mAh की बैटरी के साथ आता है। इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर इसका जो प्राइस वगैरह है आप यहाँ पर फ्लिपकार्ट में जो सेल चल रही है वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। तो प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर MediaTek का Dimensity 7020 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। Android 13 देखने को मिल जाता है और 6000 mAh की बैटरी आती है 33 वाट चार्जिंग के साथ। कैमरा की बात करें तो यहाँ पर 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा आता है प्लस 8 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा आता है। फ्रंट कैमरा आपको 16 मेगापिक्सल देखने को मिल जाता है। फुल HD में 60 FPS में आप रिकॉर्ड कर सकते हो प्लस 30 FPS में भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। 3.5 mm के हेडफोन जैक वगैरह भी आप लगा सकते हो। इसकी प्राइस की बात करें तो 8128 GB स्टोरेज का जो 15,999 में आपको देखने को मिल जाता है। तो इन सभी फ़ोन को आप खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप वहाँ पे जाके भी ख़रीद सकते हो। अगर आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़न वगैरह पे जाके ख़रीदना चाहते हो तो आप ख़रीद सकते हो। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो भाई के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।